नोमेरिकल सिक्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ पार्ट ए है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच फ्रॉम द फॉर्मूला कैपिटल ई इज इक्वल टू एच एफ वेयर ई इज़ द एनर्जी एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी सोल्यूशन की तरफ आए ई इज इक्वल टू एच एफ ये हमें इक्वेशन किवन है और ये इसमें को हम रीअरेंज करेंगे तो एच इज इक्वल टू ई बाई एफ हो जाएगा अब ई e क्या है आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी एनर्जी की ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर जिसमें ई होती है एनर्जी एम मैस सी होती है स्पीड ऑफ लाइट जो कि कॉन्सटेंट होती है और ये आज तक दुनिया में बहुत ही फेमस इक्वेशन है और आपको याद होनी चाहिए हम लोग एम सी स्क्वेयर लिख देते हैं ई की जगह पे और एफ एज इट इज रहता है अब एफ को भी हम लोग चेंज करते हैं और टाइम पीरियड टी ले आते हैं क्योंकि टाइम पीरियड टी इज़ इक्वल टू वन ओवर एफ़ और यहाँ पे देखें तो डिवाइडेड बाय एफ का मतलब वन ओवर एफ़ ही है तो एच इज़ इक्वल टू तो एम सी स्क्वेयर कैपिटल टी हो गया अब हम लोगों ने डायमेंशनस की फॉर्म में जाना है ठीक है क्योंकि हम लोगों को कहा ही गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लान कॉन्स्टेंट एच और एम क्या होता है ये मास होता है सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट और वो होती है मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड में तो डायमेंशन में क्या होगी मीटर होती है मीटर की डायमेंशन होती है लेंथ और सेकेंड की डायमेंशन होती है कैपिटल टी टाइम तो सी की जगह हम लोगों ने लिख दिया है एल डिवाइडेड बाई टी अगर वन वन ना भी लिखते तब भी ठीक था लेकिन लिख, लिख लिया ताकि चलें ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहे और जो बाहर वाला स्क्वेयर था वो ब्रैकेट से बाहर लिख दिया और कैपिटल टी एज इट इज़ कैपिटल टी टाइम और हम लोगों ने साथ में वन भी लिख दिया ताकि पता लगता रहे ठीक है कि इसकी पावर वन है ओवरऑल कैलकुलेशन में आसानी रहती है अगर ना भी लिखें तब भी ठीक है इसको अब सॉल्व करते हैं जब इसको टू को अंदर लेकर आएँ तो पहले अंदर लाने से पहले इसको हम लोग पहले सीधा रीअरेंज कर लेते हैं टी को ऊपर लेकर आते हैं एल रेस्टुआ वन और टी जब नीचे था ऑब्लिक के या डिवाइड के तो टी रेस पर वन था जब ऊपर लेके आए तो टी रेस पर माइनस वन था अब इस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल की पावर टू हो जाएगी और टी की पावर माइनस टू हो जाएगी ठीक हो गया अब इसको फर्दर ओपन करते हैं एल की पावर टू एज इट इज़ रही जबकि यहाँ देखें टी की पावर माइनस टू है और यहाँ बाहर टी की पावर एक वन भी है तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन हो जाएगा इसको सॉल्व किया तो एम की पावर वन एल की पावर टू टी की पावर माइनस वन तो ये हमारी डाइमेंशंस हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एच की पार्ट बी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉर्मूला कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डि स्क्वेयर वेयर एफ इज द फोर्स एम वन एंड एम टू आर द मासीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कि ये दो फोर्सेस लग रही हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनके मास हैं एम वन एम टू और इनके बीच में डिस्टेंस है आर तो जो हम लोगों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी गिवन है इसकी जो है ना हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं सबसे पहले तो आप लोगों ने वही इक्वेशन लिख लेनी होती है जी इज़ इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर डिवाइड बाय एम वन एम टू ये कैसे आया एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिड बाई आर स्क्वेयर होता है G, M1, square, हम लोगों ने जी फाइंड करना है तो जी इज इक्वल टू एफ़ आर इधर आ गया एफ़ इंटू आर स्केर और एम वन एम टू नीचे चला गया डिवाइड बाई एम वन एम टू तो सबसे पहले आपने जी लिखना है जिसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड पर कर दिए और अब इन बाकी सारों के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूले के अंदर इक्वेशने डालनी है जो अगर उनके कोई वैल्यूज़ पता है एफ क्या होती है फोर्स फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलेशन ठीक है इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यूज डालनी है ताकि हम लोग डायमेंशंस तक पहुँच सकें अब काम आसान हो गया है अब हम लोग आते हैं डायमेंशंस की तरफ एम 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 क्या है मास मास की पावर वन ए क्या है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर किसकी डायमेंशन है लेंथ की और सेकंड है टाइम की तो एल डिवाइडेड बाई टी स्क्र एल डिवाइडेड बाई टी स्क्र आर रेडियस होता है रेडियस डिस्टेंस और डिस्टेंस लेंथ तो ये आर की जगह एल लिख दिया कैपिटल एल लेंथ और टू एज इट इज रा स्क्वेयर नीचे क्या हैं दो मासेज हैं मासेज एम एम की डायमेंशन होती है ठीक है एम एम डायमेंशन होती है उनकी अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो मास ऊपर वन था और नीचे कितने मास थे वन और वन टू तो वन माइनस टू कर देंगे लेंथ ऊपर वन थी और टी टू और एल टू इनको अभी सॉल्व नहीं किया अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो ये तो हो गया था एम एल स्क्वायर माइनस वन अब ये एल क्या था वन और ये क्या है एल टू तो एल हो गया वन प्लस टू और नीचे डिवाइडेड बाय टी टू था जब इसको ऊपर लेकर आएंगे ठीक है डिवाइड से ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा टी रे टू माइनस टू इसको फर्दर सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू